खबर। शनिवार को लावारिस बैग से आरपीएफ ने जब्त की 90 बोतल शराब। स्पेशल क्राइम डिटेक्शन टीम की ओर से शनिवार को नागपुर आरपीएफ की टीम ने एक लावारिस बैग से 90 बोतल शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 5,850 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार को लगभग 3 बजे नागपुर स्टेशन पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के साथ आरपीएफ टीम की संयुक्त गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन जयपुर एक्सप्रेस के S11 कोच में एक बैग लावारिस हालत में दिखाई दिया, जिस पर स्टाफ द्वारा आसपास के यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी उस बैग पर अपना मालिकाना हक नहीं जताया। शक के आधार पर स्टाफ द्वारा बैग को खोलने पर उसके अंदर शराब की कुल 90 बोतलें दिखाई दी, जिसकी कीमत 5,850 रुपए पाई गई। इसके बाद निरीक्षक VN वानखेड़े के आदेश पर उपनिरीक्षक GS एडले द्वारा पकड़ी गई शराब को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के हवाले किया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त RPF नागपुर के ज्योति कुमार सतीजा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में की गई। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।